हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है साक्षु रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं रवे की गुड़ वाली खीर, जो बनाने में बहुत ही सरल है और खाने में मज़ेदार। इसी के साथ ये हेल्दी रेसिपी है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सारी सामग्री ली है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। तो इसके अंदर हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम हम कम रखेंगे यहाँ पे। तो घी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं, जिसे हमें यहाँ पे हल्का गुलाबी रंग होने तक भून लेना है, अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राई हो चुके, इनको हम अब साइड पे निकाल लेंगे। इसी के साथ मैं इसी कढ़ाई के अंदर डालूंगी 3 बड़े चम्मच रवा। तो रवे को मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिया है और हमें इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लेना है। रवे का कच्चापन यहाँ पे निकल जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो मुझे यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं रवे को भुने हुए। तो ये अच्छे तरीके से रवा यहाँ पे भून चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/2 लीटर दूध। दूध को मैंने पहले गर्म कर लिया था, तो अच्छे तरीके से फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध डाल डाल के हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसके अंदर हम 1/2 लीटर दूध डाल देंगे और इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो फिर नीचे खीर चिपक सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी खीर कितनी बढ़िया दिख रही है। तो इसे अच्छे तरीके से हम मिलाते रहेंगे। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है और इसी के साथ ये 15 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। बहुत कम टाइम में बनती है ये खीर और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसी के साथ हेल्दी रेसिपी है। साक्षी रेसिपी में और भी बहुत सारी रेसिपीज दी है मैंने, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे ये प्रोसेस करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच और हरी इलायची ली है मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच, जिसे अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। हरी इलायची को मैंने बारीक दरदरा कूट लिया है। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारे खीर में उबाल आ चुका है, तो हमें इसे खीर को उबलने देना है। तब तक कि ये थोड़ी सी दूध हमारा यहाँ पे आधा नहीं हो जाता। अब इसके अंदर हम डालेंगे तले हुए किशमिश और इसी के साथ मैं डालूंगी बादाम काजू, जिसे मैंने बारीक अच्छे तरीके से कट कर लिया है। और इसे अभी हम आधा डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे लास्ट में। अब इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से इस खीर की रेसिपी को आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और इसी के साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और देखिए हमारी खीर यहाँ पे अच्छे तरीके से उबल चुकी है, दूध भी यहाँ पे आधा हो चुका है और इसी के साथ इसके अंदर रवा भी अच्छे तरीके से पक चुका है। तो इस तरीके से आप भी इस खीर को बनाइएगा। और ये देखिए हमारी यहाँ पे खीर बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप शक्कर का यूज़ कर रहे हो तो इस टाइम पे आप इसमें शक्कर डालिएगा। मैं इसके अंदर गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 कप भर के गुड़। तो इस तरीके से इसके अंदर 1 कटोरी भर के हम ग्रेटेड गुड़ डाल देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और कम पसंद हो तो कम भी कर सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब हम गुड़ डालेंगे तब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है, नहीं तो हमारा ये खीर यहाँ पे फट सकता है। तो इस तरीके से हमें गुड़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया सी हमारी रवे की गुड़ वाली खीर बन के रेडी है। आप इसे रोटी, पूरी या पराठे के साथ बना के खा सकते हैं या तो फिर ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। और बचा हुआ हम यहाँ पे डालेंगे बादाम काजू और इसी के साथ जो हमने तले हुए बादाम काजू थे वो अभी लास्ट में डालेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी और गाढ़ी खीर, रवे की खीर बन के रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।